यहाँ तक आ जाएगा ये। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, अभी मैं एक डिश लगाने के लिए आया था यहाँ पे। तो अभी चक्कर क्या है कि जो वो ना इंटरनल फिटिंग कर रहे हैं खुद से, मुझे तो आती नहीं है इंटरनल फिटिंग, एक्सटर्नल फिटिंग आती है। अगर बाहर से बोलते तो मैं लगा देता, और अभी वो खुद ही ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं हो जाएगा या नहीं। अगर हो जाएगा तो फिर ऐसे ही फिटिंग कर देंगे, वरना फिर बाहर से तार डालेंगे। और अभी हम लगाते हैं डिस्क को, जब तक तो रीइंस्टॉल है ये। खिंच गया है यहां से तो पूरा। ओके दोस्तों, अभी हम लगाना शुरू करते हैं। बाकी मेरा मन तो नहीं कर रहा यहाँ पे लगाने का, क्योंकि इनका मैंने लॉकडाउन के टाइम पे डिस लगाया था, तो आज तक उनने उसका पैसा नहीं दिया है। और देखते हैं अब ये पैसा देंगे या नहीं। तो डिस के साइड में जो फास्टनर वगैरह लगे थे वो हटा दिए मैंने, इस साइड लगे थे वो। तो यहाँ पर जो फास्टनर लगे हुए थे वो हटा दिए हैं थोड़े की मदद से। अगर प्लास्टिक वाले होते हैं तो उसको पीटते रहोगे तो वो ढीले हो जाते हैं, निकल जाते हैं आराम से। और ये RG59 केबल है, काफ़ी ख़राब हालत में है ये। मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले लगाई थी मैंने। तो हमेशा की तरह पहले मैं निशान लगाऊंगा और उसके बाद ही ड्रिल करेंगे। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये अच्छी रहती नहीं है गिट्टी, लेकिन आजकल कंपनियां भी सारी यही ये इस्तेमाल कर रही हैं और सही रहता है वैसे तो। मैं तो हमेशा यही लगाता हूँ, आज तक तो कोई शिकायत वगैरह आई नहीं है इसमें। आप क्या यूज करते हो, जो 6 mm वाला फास्टनर आता है लोहे वाला, आप वो यूज करते हो या गिट्टी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। और अब हमने डिस भी लगा दी है और अब हम करेंगे सिग्नल ट्रैक। सिग्नल प्रॉपर आ गए हैं, बस अब हटा देंगे इसको यहाँ से। तो काम ख़त्म करने के बाद अपना सामान ज़रूर चेक करें कि आपका कोई सामान तो यहाँ पे नहीं रह गया है, हमेशा रह जाता है, नुकसान आपका होता है। हेलो गाइस, आज हम एक अजीब सी डिस लगी हुई है यहाँ पे, तो इसको रिपेयर करेंगे। इसका डंडा टूट गया था तो हम दूसरा डंडा लेके आ गए हैं यहाँ पे, तो वो इसमें लगाएंगे और सिग्नल ट्रैक करेंगे। और मैंने यहाँ से नया तार भी डाल दिया है, देख सकते हो आप। ये बिल्कुल नया तार है, ये भी हम यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हमें ऐसे भी काम करना पड़ता है, यहाँ पे पैर बिल्कुल लटकाने पड़ते हैं तब जाके कहीं डिस पे हाथ पहुँच पाता है। तो जो भी कस्टमर ये सोचता है कि ये बहुत आसानी वाला काम है, कोई भी कर लेगा, तो ये उतना भी आसान वाला काम नहीं है। कई कई जगह पे अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो वही काम कर रहे हैं अभी, तो करेंगे इसको, डिस्को लगाएंगे अभी।
ये देखिए फाइनली फाइनली हमने इसको लगा दिया है अभी तो इसको हमने फिट कर दिया नए वाले इसको, और अब करेंगे। तो नीचे से मैंने चार्ज चालू कर लिया था बॉक्स लगा के, मीटर चालू हो गया है हमारा। अभी हम सिग्नल ट्रैक करेंगे यहाँ पे सर्विस के। तो सिग्नल नहीं आ रहा है, सिग्नल लाएंगे। तो जो डिश टीवी वाले सिग्नल होते हैं वो आ गए हैं 63 के करीब आ गए हैं। अभी हम इसको थोड़ा और बढ़ा लेंगे यहाँ पे। तो काम कंप्लीट हो गया है, और मैंने तार को इस तरीके से इसलिए लगाया है ताकि बाद में ये हिले ना, टाई वगैरह होती है वो टूट जाती है और तार भारी होता है तो नीचे लटक जाता है और फिर कनेक्टर को भी छोड़ देता है और फिर तार में दिक्कत आ जाती है बाद में, नो सिग्नल वगैरह आ जाता है। तो इसलिए मैंने तार में ऐसे गांठ लगा दी है और इसके ऊपर से ऐसे घुमा दिया है।